आपने एक देखा होगा या एनालिसिस किया होगा या आप सर्वे करो आपके आसपास में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड के उनका सर्वे करो, 95-98% बच्चों के यही फैक्ट होंगे, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा वैसे उनके परसेंटेज क्या होंगे, डाउन होते जाएंगे। ऐसा क्यों? प्रेशर, सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कि उनका पोर्शन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनके सिलेबस बढ़ रहा है, सब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे सब्जेक्ट बढ़ जाता है, पोर्शन बढ़ जाता है, डिटेल्स में हो जाता है। मगर एक चीज ये भी देखो ना कि आपका एज भी तो बढ़ते जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ते जा रहा है, और आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे तो कितने सारे ट्यूशंस लगवाते हैं, कितने सारे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, मगर कोचिंग क्लासेस में जाने के बावजूद भी उनके परसेंटेज नहीं बढ़ते। जैसे अगर मानो कि एग्जांपल अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है और उसको अभी मिल रहे 80% मिलते हैं, कि ये जो आपको 80% मिले हैं ये एक एग्जाम का नहीं, ये एवरेज आपके परसेंटेज है। मतलब कि हमारे चार एग्जाम होते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होती है, फर्स्ट सेमेस्टर होती है, सेकेंड यूनिट टेस्ट होती है और फाइनल एग्जाम होता है। अगर 20 चैप्टर्स है एक सब्जेक्ट में तो 5 चैप्टर्स यहाँ पर होते हैं और ये 5 चैप्टर्स और नए 5 चैप्टर्स मिला के 10 चैप्टर्स यहाँ पर होते हैं, फिर नए 5 चैप्टर्स यहाँ पर होते हैं और ये 5 चैप्टर्स और नए 5 चैप्टर्स मिला के 10 चैप्टर्स यहाँ पर होते हैं। अब ये 5 चैप्टर्स आपको यहाँ पर नहीं होते, ना ही यहाँ पर होते, ये 10 चैप्टर्स आपको ना ही यहाँ पर होते, ना ही यहाँ पर होते। मतलब कि आपको जो परसेंटेज मिले हैं ये हाफ पोर्शन पर मिले हुए हैं। मगर अगर हम 10th की बात करते हैं या 12th की बात करते हैं तो हमें फुल सिलेबस तो मिला, यानी कि 20 के 20 चैप्टर्स आपको क्या करने, याद रखने। जो आप जून में पढ़ाई करने वाले हो आपको मार्च तक याद रखना है और उसका एग्जाम देके आपको मार्क्स लाने। तो सोचिए कि अगर आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहोगे तो ये 10th में क्या होंगे, डिवाइडेड टू 40, और आप 10th में इसके लिए और अच्छा कोचिंग क्लासेस लगाओगे और ज्यादा पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे 10-15% और बढ़ाओगे। मतलब कि 10-15% और बढ़ाने के बाद भी कितना होगा, 55-60 होगा, और आपका टारगेट कितना है, 95% लाना है आपको। अब सोचो 95% लाने के लिए ये तरीके से पढ़ाई चलेगा आपको, कितना डिफरेंस है, 60% और 95% में कितना डिफरेंस है, 35% कैसे कवर करोगे आप। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो उसके पेरेंट्स भी और वो भी सरेंडर हो गए पहले से। सो अब अगर मुझे 10th में 95% लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह का पढ़ाई करने से 95% तो मिलने वाले, तभी पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, मेथड को चेंज करना पड़ेगा, मेथड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप करते आए हैं अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाहते तो आपको डिफरेंट चीजें करनी जरूरी है। तो अभी तक ये जो हम पढ़ाई कर रहे थे ये कैसे कर रहे थे, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। अभी हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है।